क्वेश्चन क्वेश्चन से ब्लॉक इज कप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट और हमें कहा है जी की वैल्यू हम टेन ले सकते हैं आगे इन सिंपल सवाल है बट एक चीज पे यहाँ स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं और काफी सारे डिस्कशन होते हैं इसके, इसका इसके ऊपर क्लास में सो स्नैरियो ये है कि यह आपका लिफ्ट है यहाँ पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये अभी रेस्ट पे है सो so, कोर्स ये जो मास एम है ये आपका आ, इसके टच में रहेगा ना ऑल ऑफ अ सडन ये जो आपका लिफ्ट है उसने 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया इफ़ दैट इज़ द केस ये वाला जो आपका ब्लॉक है उस सिनेरियो में ये जो आपका ब्लॉक है इसका कांटेक्ट इससे छूट जाएगा बिकॉज ये ब्लॉक उससे चिपका हुआ नहीं था ये ब्लॉक आपका जी एक्सलेशन से नीचे आएगा और लिफ्ट आपकी Uh, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रही है अब हमें बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा तो सिंपल uh, सवाल है आ, आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई एक्सेलेशन आपका माइनस टेन हो गया और टाइम आपका 0.2 पॉइंट सेकेंड्स में आपको ये बताना है आ, ये क्या होएगा तो सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर यूज़ करें सो so, एस की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो प्लस हाफ़ एक्सेलेशन जो है वो हो गया माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो पॉइंट टू का स्क्वायर ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो so, एक टू इससे कैंसिल हो जाएगा टेन से तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो पॉइंट टू मीटर और एस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ये अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल का नोटिस करना यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो ये सवाल पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ठीक है ये नहीं पूछा कि इन दोनों का सेपरेशन कितना आएगा ना जस्ट फॉर द फन पार्ट ऑफ इट उसको भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं सेपरेशन अगर पूछा हो तो उसके लिए एक डिफरेंट कहानी करनी पड़ेगी पर इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल लोकेशन से आपका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टू सेकेंड में इतना हुआ है अगर पूछा जाए सेपरेशन हालांकि सवाल में पूछा नहीं है बट सेपरेशन uh, हम बात कर रहे हैं सो so, सेपरेशन जो है ओ एन सेपरेशन की जब हम बात करेंगे वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड रिलेटिव एक्सेलेशन सो रिलेटिव एक्सेलेशन हो जाएगा दोनों का 12 माइनस टेन दैट विल बी इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका रिलेटिव uh, एक्सेलेशन हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एस इज इक्ल टू यू टी प्लस हाफ़ ए रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर सो so, आप जो एस की वैल्यू है वो आ जाएगी जीरो प्लस हाफ रिलेटिव एक्सलेसन अब आपका आ गया टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर सो so, आपका जो से रिलेटिव सेपरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू आपका कैंसिल हो गया पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट टू विल बी इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर मीटर यानी कि एस विल बी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर तो रिलेटिव सेपरेशन चार सेंटीमीटर रहेगा एक्चुअल उसका डिस्प्लेसमेंट बारह हुआ है ठीक है सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर